नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं छोटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग कटआप की पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर बीए का आप ले आओ, तो बीए को मैं बीए का ले आया। आप लोगों ने देखा कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन मिला होगा, चलो हमारा एडमिशन होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू का एक बहुत ही फेमस कोर्स है यूजी लेवल पे, ब्लैड BA LLB। देखो LLB की जब हम लोग बात करते हैं तो वो 3 ईयर्स LLB होता है, लेकिन BA LLB की जब बात करते हैं तो यूजी प्रोग्राम में आता है और 5 ईयर्स प्रोग्राम है, ठीक है, वो 5 साल का कोर्स है। और LLB जो होता है वो आपका कितने साल का है, वो 3 साल का प्रोग्राम है, ठीक है, वो पीजी लेवल पे काउंट किया जाता है। और LLM भी होता है, उसमें ह्यूमन राइट्स का भी होते हैं, 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर्स का भी होता है। ऐसे जब लॉ के क्षेत्र में जाओगे तब आपको पता चलेगा कोर्सेज के बारे में। BHU का जो ब्लैट है काफी ज्यादा फेमस है और मेरा पर्सनल एक भी एक्सपीरियंस है इतने सालों से BHU में, तो कहीं ना कहीं मैं इस फैकल्टी को देखता हूँ कि बड़ा डिसिप्लिन वे में चलता है, ठीक है, और बच्चों की पॉपुलेशन बहुत कम है। ओनली इस कोर्स में अगर मैं सीट की बात करूं, पता है कितनी सीट है, 72। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि ये कितना छोटा परिवार है, और छोटा परिवार मतलब क्या, खुशी परिवार। वैसे मैं इसको क्रिटिसाइज भी करता हूँ कि अगर आप इस फैकल्टी में इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रोफेसर आ ही रहे हैं, तो आप बच्चों की संख्या बढ़ाओ कि और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले इस कोर्स में पढ़ने का। ऑनली 72 बच्चों को सेलेक्ट करके LLB में ले जाना, BA LLB में ले जाना, मुझे कहीं नहीं लगता है कि बहुत बड़ा वर्थ इट प्रोग्राम नहीं है। गवर्नमेंट को या जो भी BHU एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्हें सोचना चाहिए कि फैकल्टी को थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चे जो है, एप्लीकेंट्स जो है, वो BHU BA LLB में फॉर्म डाल रहे हैं और उसमें से आप बस 72 लोगों को ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिस नहीं है। बच्चों की काबिलियत जो है वो सीट की वजह से मारी जा रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काबिल हैं और एडमिशन नहीं ले पाते। मेरे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे खुद होते हैं जो बहुत अच्छा स्कोर ले आते हैं और मजबूरन उन्हें फिर उनका नहीं होता है, उन्हें बीए करना पड़ता है। व्हाटएवर, हम लोग ये डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं BHU के इस BA LLB 2024 का अनऑफिशियल अनाउंस कट ऑफ, यानी कि हम लोग ये अंदाजा लगा पाएंगे कि मेरा एडमिशन BHU में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So please, इस वीडियो को लास्ट तक देखो और मुझसे प्रॉमिस करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि स्टार्टिंग में सब्सक्राइब कर लोगे तो यहीं पे आपको ऑफिशियल कट ऑफ की लिस्ट पे मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। चाहो तो अभी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है काउंसलिंग हेल्प करके, CUET हेल्प डेस्क करके, आप उसे ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं लास्ट ईयर का 2023 वाला ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट डाल दूंगा और वहां पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं जो डायरेक्टली ऑफिशियल्स होते हैं, आप उसको डायरेक्टली कहीं ना कहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है। और हॉस्टल वाला यानी BHU में एडमिशन हो जाएगा, आपको हॉस्टल चाहिए, क्योंकि हॉस्टल सबको नहीं मिलता, ठीक है। इस पूरे कोर्स में लगभग 20 लोग को हॉस्टल मिलेगा, लड़का लड़की मिला के। तो प्लीज आप सभी से एक निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक सबसे फॉलो कर लो, चाहे हॉस्टल वाला, चाहे आपका काउंसलिंग हेल्प डेस्क, और किसी को घर बैठे यूजी प्रोग्राम बच्चे जो है ना, वो घर बैठे अगर अपनी काउंसलिंग कराना चाहेंगे, अभी तो काउंसलिंग बोर्ड स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो एग्जाम चल ही रहा है, लेकिन अगर घर बैठे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वहाँ पे काउंसलिंग वाला नंबर है, आप अभी उस नंबर को सेव करके रख लो। जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो बेसिकली जैसे कि पीजी बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, बहुत गलतियां कर दे रहे हैं, बहुत लोगों के जो है वो अंडरटेकिंग गलत फिलअप हो गए। अगर वो हमारी टीम से कराते हो, जो नंबर है उनसे करवाओगे घर बैठे, वही पेमेंट जो साइबर को देते हो वही पेमेंट आप इनको दो, घर बैठे कराओ, कोई एरर ही नहीं आएगा, समझ लो कि नहीं। तो ये चीजें खाता रहता है, ये आपके फायदे के लिए लाया गया। सो प्लीज अभी से आप ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। चलिए शुरू करते हैं। ये अनऑफिशियल है, यानी कि ये एनालिसिस बेसिस पे, समझ में आया, मैं कहीं ये दावेदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ ये गारंटी ले रहा हूं कि जो बोल दूंगा वो सत्य होता ही है, लगभग एक्सपीरियंस है मेरा, ये पर्सनल अपना व्यक्तिगत सुझाव मैं आपको दे रहा हूं अपना। हम लोग पहले देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहा है पिछले 2 सालों में, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं आया है। जनरल टेस्ट, भाषा यानी लैंग्वेज और लीगल, ये आपका 3 सेक्शन होते हैं जो कि BHU BA LLB के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एक डोमेन लीगल मस्ट है, अगर आपके पास लीगल डोमेन नहीं है आपके एग्जाम में, आपने नहीं दिया था, तो आप इस कोर्स के लिए BHU में नहीं रहोगे। लैंग्वेज का पेपर नहीं दिया है कोई भी, हिंदी इंग्लिश में से, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और जनरल टेस्ट अगर आपका मिस हो गया तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये तीनों का तीनों कंपलसरी सेक्शन है फॉर BHU BA LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम, ठीक है। ये इफेक्टिव मार्क्स हैं, यानी आपके कोर्स में जितना वेटेज जनरल टेस्ट का है, जितना वेटेज आपके लैंग्वेज का है, जो वैल्यू आपके लीगल स्टडीज का है, वो एज ए टीच BHU फॉलो नहीं करता है। BHU ये कहता है कि हम लीगल का पूरा मार्क्स लेंगे, लीगल का और जनरल टेस्ट का पूरा मार्क्स लेंगे, लेकिन हम लैंग्वेज को पूरा नहीं लेंगे। क्या बोल रहे हैं कि हम ये 250 लेंगे जनरल टेस्ट का और ये 200 हम लोग लीगल का भी लेंगे, ठीक है। ये GT का ले रहे हैं हम लोग, ये हम लोग लीगल का ले रहे हैं, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि लैंग्वेज का 50% आप ऑब्टेन मार्क्स किसका है, लैंग्वेज का, ठीक है।
लैंग्वेज का ये बोल रहा है 50% ही लेगा, यानी कि ये 200 का 100 मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक बच्चे का नंबर लेके पूरा काउंट किया हुआ है। अब एक बच्चा जो है वो पाता है जनरल टेस्ट में 160 और 130 पाता है लीगल में और 140 पाता है लैंग्वेज में, लेकिन जब उसका फाइनल मार्क्स बनेगा तो वो बनेगा ये दोनों मिला के 290 और ये हाफ हो जाएगा, 50% हो जाएगा इसका, इसका आधा हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा और ये 70 ही काउंट किया जाएगा और इस तरीके से 360 बच्चे का टोटल मार्क्स हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी लैंग्वेज में आप जितना पाओगे 160 पाओगे तो विल बी कंसिडर 80 मार्क्स, ठीक है, 140 पाओगे 70, 100 पाओगे 50। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग फाइनली आ गए अपने मेन मुद्दे पे जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बच्चे इसी को बेसिकली देखना चाहते थे। जो फेमस रिजर्व कैटेगरीज है वही डिस्कस कर रहे हैं। पीडब्ल्यू के जो बच्चे हैं वो ऑल कॉलिंग जा सकती है, ठीक है, जो पीडब्ल्यू बच्चे हैं यानी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो ऑल कॉलिंग जा सकती है, ठीक है, इसीलिए वो लोग प्लीज वीडियो को देखने के बाद पेशेंस रखें। जब काउंसलिंग पोर्टल स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। दिव्यांग बच्चों के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहूंगा, उनके लिए कोई हेल्प होगा मैं उनकी हेल्प पूरा करूंगा, बाकी भी लोगों की हेल्प जहां तक हो सके मैं जरूर करूंगा। मेरा इंस्टा आईडी है निर्दर्शन, आप वहां मुझे फॉलो करके रिक्वेस्ट सेंड कर दो, जो भी प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। जनरल के लिए लगभग यहाँ पे जो टोटल मार्क्स आया है कितना आया है 550, ठीक है, आपका टोटल कितना का हो गया 550 का हो गया। 550 में 480 to 500 अगर आपका मार्क्स है जनरल की स्टूडेंट हो, ठीक है, मैंने ये मिनिमम लिख दिया है यहाँ पे, इसका एवरेज लोगे तो 490 जो कि लास्ट टाइम का रहा है, ये 490 लास्ट ईयर का रहा है, 490 दशमलव समथिंग ये मार्क्स जो है अगर आपका है तो मुझे लगता है कि जनरल में आपका एडमिशन बीएचयू में हो जाएगा, क्योंकि आपकी सीटें पता है कि ओनली 72। मैं बोला ना कि यही तो बच्चों की, यही तो आपके पास एक कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय है। सीटें बढ़ाना चाहिए, क्लासरूम है, प्रोफेसर है, उनको उतना ही पैसा देना है, बीएचयू का जो लॉ फैकल्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो सब कुछ तो फिक्स ही है, बच्चों को बढ़ा दोगे क्या चला जाएगा, ये सीटें कम से कम 4 गुना होनी चाहिए। अगर सीट बढ़ेगा तो बच्चे भाई कहीं ना कहीं ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा कहीं ना कहीं वो अपना एनर्जी लगाएंगे, देश के ही विकास में उनका हेल्प होना है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 182475, ठीक है, 475 से लेके इतने में अगर आप आते हो ईडब्ल्यूएस आपके एडमिशन के चांसेस रहेंगे। ओबीसी 455, एससी 400 यानी 400, एसटी 370। इसमें एक आता है इम्प्लाई वार्ड, इम्प्लाई वार्ड अब इस साल कितने बीएचयू के ऐसे इम्प्लाई है, ऐसे लोग जॉब करने वाले हैं जिनका बेटा लॉ में जा रहा है, इस पर डिपेंड करता है, तो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा मार्क्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपका जब फाइनल आंसर की और आपका जब मार्क्स पता चलेगा यूजी लेवल पे तो आप लोग काउंट करना एक बार और अंदाजा लगाना कि क्या आप इस रेंज में आते हो तो आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज रहेगी। अब मेरे से अगर कोई ये बोले कि सर आप एक जनरल कट ऑफ बता दो मुझे, एक जनरल कट ऑफ बता दो कि हाँ उस जनरल कट ऑफ पे आप उम्मीद कर सकते हो यानी आप काउंसलिंग में भाग लेना, तो वो है ऊपर के 3 लोगों के लिए, ठीक है, ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए वो है 450, ठीक है, इस 450 के रेंज में आने वाले ऊपर के 3 जो लोग हैं ये काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें क्योंकि इनके एडमिशन पॉसिबिलिटीज 80 to 90% रहेगी, ठीक है। अब यहां पे ये जो रेंज है लास्ट के 2 एससी और एसटी ये आराम से 350 तक पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 350 तक अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा वो रेंज जहां पे आप लोग जनरल कट ऑफ अपने आप को देख सकते हो, मतलब जनरल मतलब कैटेगरी नहीं मतलब जनरलाइज। यहाँ पे इस वीडियो में एक बात और कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो शायद मेरे कमिंग वीडियो ना देख पाए, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे हर वीडियो देखो, यूट्यूब पर ऐसे वीडियो नहीं मिलते। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं बीएचयू बीएलएलबी में सीटें कम है जिसके आपको एडमिशन शायद ना मिले, जबकि आप बहुत काबिल होंगे, पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे, 500 पाना या 480 तक भी चले जाना और आपका एडमिशन ना हो तो कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है, यहाँ पे सीटें कम है। बीएलएलबी के लिए एक और यूनिवर्सिटी है बीबीएयू, ये लखनऊ में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व यूनिवर्सिटी है, 50% सीट शायद वहां पे एसटीएससी को रखा जाता है, बाकी के जनरल ओबीसी के लिए रखा जाता है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आपका लॉ करने का उद्देश्य है और आप कहीं ना कहीं फैमिली में कमजोर हो पैसे की वजह से, फैमिली बैकग्राउंड पैसा उतना नहीं खर्च कर पाएगा, तो मैं चाहूंगा कि प्राइवेट आप कर नहीं सकते हो, तो ऐसे में बीएलएलबी को कहीं ना कहीं प्रेफर करना। वहां पे मेरे यहाँ लास्ट ईयर मेरी एक बच्ची एडमिशन ली है, मेरे यहाँ से पढ़ के लिए, उसका बहुत कम नंबर हो गया था, वो होप खो दी थी,
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे बच्चे जरूर बीबीएयू के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर ले, उसका कट ऑफ बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, बहुत से शुभकामनाएं है मेरे हर वीडियो देखने के लिए। जब सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें, प्लीज उनको सब्सक्राइब जरूर करेगा मेरे भाइयों और मेरे ये स्मार्ट दोस्तों, क्योंकि देखो मैं आपको जो चीजें बताऊंगा ना यूट्यूब पे बहुत कम मिलेगा, एक्सपीरियंस के थ्रू बताता हूँ। सो प्लीज आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, कमिंग में आपके फायदे के लिए वीडियोस ले आऊंगा। इवन जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे बीएचयू में उनको मैं जॉब के लिए भी बहुत से रास्ते दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।